नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं से संबंधित टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाएं या फिर फ्लैगशिप जो कार्यक्रम है उन सभी का विवरण दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो योजना है वो है IM शक्ति उड़ान योजना। तो ये क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, वो सब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये प्रदेश की महिलाओं को सौगात के रूप में IM शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई है। रूढ़ियों से आज़ादी की उड़ान इसमें बताई गई है। और ये कब शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी दिसंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका क्या उद्देश्य है कि प्रदेश के जो समस्त किशोरियाँ एवं महिलाएं हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और ये योजना जो है ये इसका वितरण कैसे होगा, इसके लिए पात्रता क्या है, 10 से 45 वर्ष तक की समस्त बालिकाएं एवं महिलाएं। और इस योजना के जो तीन अहम पहलू हैं, पहला तो है सैनिटरी नैपकिन क्रय एवं आपूर्ति करना, दूसरा नैपकिन वितरण व्यवस्था तंत्र, और जो तीसरा इसका पहलू है वह है प्रभावी संचार रणनीति के माध्यम से जागरूकता हेतु व्यापक ICC अभियान, ये तीसरा इसका महत्वपूर्ण पहलू है। फिर इसकी वितरण व्यवस्था, विभाग योजना की प्रगति, इसका प्रथम चरण जो है वो दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। और ये सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, उच्च प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक CDPO ब्लॉकों में ये शुरू की गई है। और इसमें प्रोत्साहन भी शुरू किया गया है, स्वस्थ सुखद सपनों की उड़ान, ये इसका ध्येय वाक्य रहा है। अगला जो योजना है वो देखें तो कौन सी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना में क्या है, ये योजना जो है 1 मई 2021 को शुरू की गई थी इस, और इसे 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। पहले कितना था ये स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए था, अब ये इसका दोगुना कर दिया है। और बीमा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले एवं 15 दिन बाद तक उपचार जो वे शामिल है वो इसके अंतर्गत किया गया है। और इसमें शेष जो परिवार हैं, ये तो जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए जो गरीब परिवार हैं, लाभार्थी परिवार, वो तो इस श्रेणी में आ जाते हैं। और बाकी जो सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं उनके लिए भी इसमें 50% की छूट की गई है। उनके लिए वार्षिक जो प्रीमियम है वो 850 रुपये रखा गया है, कि सभी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, सभी के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में 834 राजकीय एवं 899 निजी चिकित्सालय इससे संबंधित हैं। अगला है चिकित्सा एवं पालनहार विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो इनकी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी। ये 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी और इसमें 1594 प्रकार की दवाइयाँ, 900 एवं सूत्र निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये सभी जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह इसके अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। और जो राजस्थान ये जो दूसरी योजना है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की, इसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये योजना 1 मई 2022 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान को निरोगी बनाना। इसमें आउटडोर और इंडोर जो सुविधाएं हैं वो पूर्णतः निःशुल्क कर दी गई हैं। 1594 दवाइयाँ और 1113 सर्जिकल एवं सूत्र
इस सूची में शामिल है। फिर जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जो योजना शुरू की गई है वो है 1 रुपये किलो में गेहूँ देना। इस योजना के अंतर्गत जो BPL लाभार्थी हैं, स्टेट BPL, BPL या अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड और BPL एवं स्टेट BPL लाभार्थियों को 5 रुपये प्रति किलोग्राम यूनिट प्रतिमाह 1 रुपये किलो की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया जाता है। इस क्रम से 1 जनवरी 2019 को लाभार्थियों की संख्या के अनुसार अंत्योदय BPL एवं स्टेट BPL श्रेणी में कुल 1,74,00,000 लाभार्थियों को 1 मार्च 2019 से 2 रुपये में यह व्यवस्था 2 रुपये के स्थान पर इसको 1 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहले ये 2 रुपये प्रति किलो थी और अब ये 1 रुपये प्रति किलो है। अगला है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, वह है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। ये गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू की गई थी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक। इसमें 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 303,146 नामांकन हो चुके हैं और ये 2022-23 के बजट में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इस योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो है जो राजस्थान की मूल निवासी हो, जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो, उसके लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें सभी इनके लिए ये सभी योग्य हैं। इसमें क्या है, 18 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु की जो पेंशनर हैं उनको 500 रुपये पर मंथ और 55 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम आयु की पेंशन को 750 रुपये पर मंथ और 60 वर्ष से अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशन को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं और जैसे ही वो 75 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उसकी पेंशन 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दी जाती है। अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है। इसमें 55 वर्ष या उससे अधिक महिला और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए ये शर्तें लागू हैं। इसमें 750 रुपये प्रतिमाह उनको दिए जाते हैं जिनकी आयु 75 वर्ष से कम हो। बाद में 75 वर्ष से अधिक होने पर इनको 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन व्यक्ति को जो अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निषेधता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति से हास, मानसिक विमंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता से ग्रसित हो उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। वो इसमें के लिए क्या शर्त है कि वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो, उस वो इस पेंशन के लिए पात्र है। अगली है पालनहार योजना। पालनहार योजना क्या है, अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, पारिवारिक परिचित, वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाकर इस योजना की देखभाल के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए क्या सकते हैं कि पालनहार परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में वो
रह रहा हो, ये उसके लिए आवश्यक शर्त है। 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को इसमें 500 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है। 500 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। और 6 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को 1000 रुपये आर्थिक सहायता मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। शेष अन्य श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के आयु हेतु 500 रुपये प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है। साथ ही प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपये वार्षिक एक मुफ्त सहायता भी उनको ये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। फिर कृषि विभाग द्वारा जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। यह योजना 12 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। ये किसानों के लिए शुरू की गई है। आगे है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। यह योजना दिसंबर 2019 से शुरू की गई थी और इसका क्या उद्देश्य है? उद्यमों की सरल स्थापना एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना। प्रदेश में नए उद्यमों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित उद्यमों के विस्तार और विविधीकरण या फिर आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से 8% ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदकों के साथ साथ संस्थागत आवेदक भी इसके पात्र हैं। अगली योजना जो है वह है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा संचालित MSME अधिनियम स्व प्रमाणीकरण योजना। ये 17 जुलाई 2019 से शुरू की गई है। इस अधिनियम के तहत ये शुरू की गई है। अगली है उद्योग विभाग द्वारा स्थापित योजना राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 और नई जो रिप्स आई है वो 2022 है। राजस्थान सरकार ने रिप्स 2022 जो है इस योजना की शुरुआत की है 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक। तो ये 31 मार्च 2027 तक ये रिप्स 2022 लागू रहेगी। इसमें क्या है, इस प्रगतिशील निवेश योजना से विनिर्माण और सेवाओं का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा, वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है, हरित हाइड्रोजन वैकल्पिक ऊर्जा चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाना है। अगली जो योजना है वह है कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये योजना 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई थी और ये किसके लिए है, जो युवा बेरोजगार हैं उनको ये आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 4000 रुपये पर मंथ और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 4500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इनको इंटर्नशिप कराई जाती है, इनसे इनको काम सिखाया जाता है। जो इंटर्नशिप करता है उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलता है। अगली है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका नाम है कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। ये डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। तो ये विद्यालय में कक्षा 12 तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं सभी वर्गों अनुसूचित जाति अनुसूचित जातियों सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग विमुक्त घुमंतु
घुमंतु व्रत के छात्रों को कक्षा 12 में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना तथा उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है, ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 में कम से कम 65% अंक प्राप्त करने चाहिए, और CBSE जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें 12 में न्यूनतम जो मार्क्स हैं वो 75% मार्क्स उनके होने चाहिए, तभी वो इनके पात्र होते हैं। और छात्राएं राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो वो इनके पात्र हैं। पूर्व में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम पर आधारित किसी छात्र को स्कूटी प्राप्त हुई है तो उसी छात्र के 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये एक मुफ्त राशि उसको प्रदान की जाती है। अगली जो योजना है वह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या मुख्यमंत्री हथलेवा योजना। इसमें क्या होता है, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग होता है उनकी कन्याओं के विवाह के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो राजस्थान के मूल निवासी हैं। इसमें कन्याओं के विवाह जो अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु के जो कन्या हैं उनके विवाह पर 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, और 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता किसको दी जाती है, महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। कक्षा 10वीं पास होने पर 10,000 रुपये एवं स्नातक पास होने पर मतलब BA BSc होने पर 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी उनको दी जाती है। अगली जो योजना है वह है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। इसमें सिलिकोसिस बीमारी खास तौर पर जो खनन करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर पीस कर पाउडर बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाते हैं, ऐसे काम करने वाले श्रमिकों के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उनको इसका लाभ दिया जाता है। इस नीति के प्रमाणीकरण पर रोगी को 3,00,000 रुपये दे होता है। इस बीमारी से रोगी की मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये एवं परिवारजनों को 2,00,000 रुपये की सहायता दी जाती है, और जो इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है उसको 1,500 रुपये प्रतिमाह भी पेंशन दी जाती है। अगली है इंदिरा रसोई योजना। यह स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये तब से शुरू की गई है कि 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में 328 रसोइयों के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या होता है, जो लाभार्थी होता है उसको 8 रुपये में भोजन प्रदान किया जाता है, और सरकार द्वारा पर थाली की जो वहन राशि है वो पहले 12 रुपये थी और 1 फरवरी 2022 से इसको बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है। इसमें भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार शामिल किया गया है। 2022 में इन रसोइयों की संख्या बढ़कर 1,000 की जा रही है, जिससे योजना पर प्रतिवर्ष वे 250 करोड़ रुपये आता है। वर्तमान में 951 इंदिरा रसोइयाँ संचालित हैं। फिर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, वह है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना में क्या है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE और CBSE द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं
में अधिक से अधिक अंक लाने एवं उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसका लाभ लेने के लिए उसे राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और अति पिछड़े वर्ग के वे छात्र हैं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने में पूर्णतः 50% अंक उनके आए हों। राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में उन्होंने प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन वो कर रहे हैं, उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। अगली जो योजना है उसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये योजना स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शुरू की गई है और इसकी शुरुआत 2021 में ये योजना लागू हो चुकी थी। अगला है वन विभाग द्वारा जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है घर घर औषधि योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। इसमें क्या होता है, प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के पौधे निःशुल्क सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 में योजना के तहत एक परिवार को अधिकतम 8 पौधे दिए जाएंगे। वो उनमें ये 4 पौधे डबल डबल दिए जाएंगे, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ, सभी के 2-2 पौधे दिए जाएंगे, मतलब 8 पौधे हर परिवार को दिए जाएंगे। अगली जो योजना है उसका नाम है जन सूचना पोर्टल 2019 और ये किसके द्वारा शुरू की गई है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और किस अधिनियम के तहत, 2005 के अधिनियम के तहत। इसकी मूल भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया गया था। इसमें 115 विभागों की 329 योजनाओं की 688 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये इसकी वेबसाइट है। अगली जो योजना है वह है राजस्थान जन आधार योजना। ये योजना जो है ये आयोजना विभाग द्वारा शुरुआत इसकी की गई थी। राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया गया था। योजना का उद्देश्य राज्य के परिवारों की जनसंख्यिकीय एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर और एक कार्ड की पहचान प्रदान की जा रही है। इसमें जो जन आधार होता है वो 10 अंकीय होता है और परिवार के जो सदस्य हैं उनकी पहचान संख्या जो है वो 11 अंकों में प्रदर्शित की जाती है। अगली जो योजना है उस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई योजना उसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध। इसमें क्या होता है, राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई है और ये त्यौहार जो होते हैं होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये इस त्यौहारों पर जो मिठाइयाँ बनती हैं उन की शुद्धता की जांच इसके अंतर्गत की जाती है और जो दोषी पाया जाता है उस पर जुर्माना लगाया जाता है, उस पर कंट्रोल किया जाता है। अगली जो योजना है वह है निरोगी राजस्थान अभियान। इस योजना के तहत प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित गतिविधियों के साथ ही बीमारियों की रोकथाम व उपचार की व्यवस्था की गई है। अगली जो योजना है वह है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2013 से शुरू की गई थी, मतलब ये उस समय से लागू है और इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका उद्देश्य से जनहित में ये योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत SMS मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों में 1033 मेडिकल कॉलेज अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं RU
में 689, राजमेश मेडिकल कॉलेज एवं जिला उपजिला सैटेलाइट एवं चिकित्सालय में ये शुरू की गई है।